ख्वाजा मोहम्मद अलवान साहब मरहूम के दरीना साथी, दरीना दोस्त, शागिर्द रशीद, पीएस 128 के सदर मोहतरम जनाब पीर जमान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार फरमाए। आपका दिया हुआ चिरागा, आपके वर्षों ने, बली के वर्करों ने आपको याद किया कि आपने जिस रास्ते पे आप चले और रास्ता था सुल्ताली पंडों का फलसफा, और रास्ता था शहीद टीवी का फलसफा, और रास्ता था नौजवान चेयरमैन बिलावल पंडो सरदारी, और रास्ता था मर्द मुजाहिद आसिफ अली सरदारी। जो आपने सुना, आपने अपनी जवानी से लेकर, आपने अपनी जवानी से लेकर अपने आखिरी आराम में तक आपने पीपल्स पार्टी से वफादारी करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए, पर आपने हमेशा यूनियन मजदूर यूनियन की आवाज बनकर पूरे पाकिस्तान में गूंजा, और आपको यह आज के मलीर पीपल्स पार्टी आपको सलाम पेश करती है। और हमारे कायद जो चेयरमैन मुस्तकबिल के मेहमान पुतों का नवासा शहीद बीवी का बेटा मर्द मुजाहिद आसिफ अली सरदारी का लाडला हमारे रात की उम्मीदों की किरण है। आओ आज ऐद करो ख्वाजा मोहम्मद से वफादारी का। आओ हजारा बोलने वाले भाइयों, पंजाबियों, पठानों, बलोचो, माजिरो, ईसाई की हो, हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले रखने वालों लोगों का है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आओ आज ऐलान करो, इलेक्शन फिर करीब है 2018, जैसे कि हम कहते हैं ना शेरों के शिकारी जरदारी, अगली बारी जरदारी, अब आई आई जरदारी, जैसे सिलेक्ट में उन्होंने उस यतीम दोनों को जो कभी जियाउल्लाह के कोल में पलते हैं, कभी मुशर्रफ के कोल में पलते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे एमजीएम हो, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए ऐसी जमातें बनी हैं, मगर हम फख्र करते हैं अपने पार्टी की कायद से, हम फख्र करते हैं उस कड़ी खुदावत से, हम फख्र करते हैं उस नौजवान से जिन्होंने इस आरोप लगाया कि आप कितने फुटो मारोगे, अरकस से फुटो निकलेगा। यह शहीद दुर्गाली फुटो का नवासा का है, बिलावल फुटो का है। आओ आज मजबूत करो बिलावल फुटो का, छोटी चुस्तियां की शहीद बनाकर आओ आज ख्वाजा मोहम्मद की याद में बनाते हैं बरसी, हम बनाते हैं शहीदों को याद करते हैं, उन शहीदों ने कुर्बानी क्यों दी, इन मरूमों ने जद्दोजहद क्यों की, कि जद्दोजहद की उसूलों के लिए उसी लोगों का नाम था शहीद दुर्गाली फुटो। आओ आज ऐद करो कि हमें 2018 में बिलावल भुट्टो सरदारी को वजीर आजम बनाना है। आओ हम आसिफ अली सरदारी के बाजू पे बाजू बनाए। आओ आज ऐद करो कि हम उन मरीज मरूमों के जो विजन था, जो जद्दोजहद था, जो शहीदों की वो जद्दोजहद था, आज हमको ऐद करना है कि हमें उस रास्ते पे चलना है, हमें उस तय पे चलना है कि हमें उस जद्दोजहद पे चलना है जिन्होंने हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं हसन अवान को यकीन दिलाता हूँ एक शहीद के वर्षा की हैसियत से, क्या मायूस ना हो, ये पीपल्स पार्टी समंदर है, ये पीपल्स पार्टी शहीदों की है, ये पीपल्स पार्टी आपकी वालिद की जद्दोजहद की है, आगे बढ़ो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आपको मायूस नहीं करेगी, और इंशाल्लाह हमारी साथ हुई तो हम हमारे और हमारे मलीर के वर्करों की जितनी भी साथ चाहिए वो आपके शाना बचाना। आज इन मलीर के वर्करों ने साबित किया कि हसन अवान आप कदम बढ़ाओ, आप ख्वाजा बनना है आपको, ख्वाजा के रास्ते पे चलना है आपको, तो आज आपको ये मलीर के वर्करों ने, यूनियन के वर्करों ने, जिम्मेदारों ने यह आज आपको हौसला दिया कि आपके अब्बू को, आपके बाबा को पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी भूला ना ये कायदी भूला। बहुत बहुत शुक्रिया।